हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज पद्मिनी फ्रॉम पद्मिनी किड्स चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ कुछ हेयर टिप्स, सो शहनाज हुसैन की हेयर टिप्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम देखेंगे 5 अमेजिंग 100% वर्किंग टिप्स अपने बालों को लंबा, घना, स्ट्रॉन्ग करने के लिए। शहनाज हुसैन की ये दिए गए टिप्स एकदम नेचुरल है। अपने बालों में केमिकल्स और आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी ना इस्तेमाल करें। जितना हो सके होममेड शैम्पू या हेयर पैक यूज करके अपने बालों को स्वस्थ रखें। मार्केट में मिलने वाले नेचुरल हर्बल प्रोडक्ट ही यूज करें। सो शहनाज हुसैन की जो दी गई है पहली टिप्स है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल यानी नारियल तेल सबसे बेस्ट होती है बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए। सबसे पहले कोकोनट ऑयल लें जितनी ज़रूरत है आपको। सो एक कटोरी में लें, फिर उसे हल्का सा गर्म कर लें और इसको अपने सर की चमड़ी में यानी स्कॉल्प में अच्छी तरह से लगा लें, बालों में लगा लें और 3 आवर्स के लिए उसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि गर्म तौलिया यानी स्टीम्ड टॉवल अपने सर में पगड़ी की तरह बांध लीजिए, लपेट लीजिए और 5 मिनट के लिए उसे छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो तेल लगाए हैं वो सोख लेगा और ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छी होती है बालों के लिए। ये ऑयलिंग और कंडीशनिंग दोनों प्रोवाइड करती है और बालों में अजीब सी साइन देती है। सो सेकेंड टिप से है ना कपैक। जल्दी बालों में ग्रोथ लाने के लिए और बालों को फास्ट ग्रो करने के लिए हेना पैक बहुत ही हेल्पफुल होती है। और हेना पैक के लिए हमें चाहिए 2-4 बड़े चम्मच नींबू का जूस और 4 बड़े चम्मच कॉफ़ी पाउडर, 2 कच्चे अंडे, 2 बड़े चम्मच तेल, 2 चम्मच दही और ज़रूरत के हिसाब से हेना पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स कर लें, उसे अपने बालों में स्कॉल्प में अच्छे से लगा लीजिए और उसे हाफ एन आवर या फिर 1 आवर रहने दीजिए। और उसके बाद बालों को धो लें, सादे पानी से धो लें, शैम्पू ना करें। ये ट्रीटमेंट आप महीने में 3 बार कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद होती है ये ट्रीटमेंट। लेकिन इसे करने के बाद प्लीज़ शैम्पू ना करें, क्योंकि इसे अप्लाई करने से आप जो है ना पैक लगाया है उसका काम नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। सो उसकी गुडनेस लाने के लिए बालों में कम से कम 24 आवर्स के बाद ही बालों में शैम्पू करें। और थर्ड टिप्स है मिक्स्ड ऑयल ट्रीटमेंट। ड्राई बालों के लिए है ये, और अगर आपके बाल ड्राई हैं तो आप इसे करके अपने बालों को सही कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसमें क्या करना है कि 1 टेबलस्पून लेंगे कैस्टर ऑयल यानी अरंडी का तेल और 2 चम्मच कोकोनट ऑयल और दोनों को मिक्स कर लें, हल्का सा गुनगुना कर लें और बालों में सर पे लगाएं अच्छे से। जैसे फर्स्ट स्टेप में किया था कोकोनट ऑयल के साथ, वैसे ही सर्कुलर मोशन में उंगली की सहायता से मसाज करें अच्छे से बालों में और स्कैल्प में। और आप चाहें तो स्टीम्ड टॉवल अपने सर पर पगड़ी की तरह बांध सकते हैं 5 मिनट के लिए और फिर उसके बाद अपने बालों को धो सकते हैं। और फोर्थ टिप्स है ऑयली हेयर के लिए लेमन रिंज। अब उसमें आधा नींबू का रस ले लें, आधा जग पानी यानी 2 ग्लास पानी में नींबू का रस मिला लें और उसी पानी का जब भी आप शैम्पू करें या फिर बाल धोएं तो उसके धोने के बाद बालों को उसी पानी से अपने बालों को धो लें अच्छे से। तो ये आपकी जो चिपचिपापन होती है बालों में, ऑयलीपन होती है, वो ठीक करेगी और आपकी बाल एकदम शाइनी सिल्की फील होगी। और लास्ट यानी फिफ्थ है प्रीमैच्योर ग्रेइंग के लिए आमला और हेना पैक। यानी आजकल से बड़ी समस्या हो गई है वक्त से पहले बाल सफ़ेद होने की, और इसके लिए आमला और हेना पैक इस्तेमाल करेंगे, ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। आमला बहुत ही हेल्पफुल है बालों की ग्रोथ और बालों को काला रखने के लिए। सो रात में सूखे आमले को 2 कप पानी में भिगो लें, रात भर भिगा रहने दें और सुबह इस आमले को पेस्ट बना लें और उसमें ऐड करें आमला पाउडर। जो पानी भिगोया था सूखे आमले को उसी पानी से आमला पाउडर को मिलाएं और पीसी हुई आमला
पेस्ट को भी मिलाएं और उसमें दो अंडे कच्चे अंडे मिलाएं और 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिक्स करें अच्छे से। और आप चाहें तो अंडे के बदले आप दही मिला सकते हैं और अपने स्काल्प में बालों में अच्छे से लगा लें, ब्रश से लगा सकते हैं या फिर उंगली की सहायता से भी लगा सकते हैं। तो लगाने के बाद 2 आवर्स रहने दें, फिर वॉश कर लें। सादे पानी से ही बालों को धोए, फिर उसके बाद आप शैम्पू कम से कम 24 आवर्स के बाद ही करें, नहीं तो जो अम्ला पैक आपने लगाया है वो काम नहीं करेगी। और जब एक 24 आवर के अंदर वो आंवले की जो गुडनेस होती है वो आपके बालों में आए और अच्छे से काम करे, इसलिए 24 आवर के बाद ही शैम्पू करें। ये जो 5 टिप्स थे ये ज़बरदस्त टिप्स हैं, अमेजिंग टिप्स हैं बालों को हर तरह की प्रॉब्लम से बचाने के लिए। सो उसे अपनाइए और अपने बालों को स्वस्थ रखिए, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, कमेंट माई वीडियो एंड शेयर माई वीडियो। बाय, फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। गॉड ब्लेस यू ऑल।